मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदले हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच मिले या न मिले, हम अपना मंच बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृति वैभव श्री स्वयं सहायता समूह की। इसकी स्थापना 2022 जनवरी माह में किया गया। ये विशेषकर महिलाओं के द्वारा बनाया गया एक स्वयं सेवी समूह है, जहाँ पर महिलाएं स्वावलंबी होकर के अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। आइए इस संस्था की डायरेक्टर श्रीमती अरुंधति शुक्ला जी से रूबरू होते हैं। मैम, ये जो अचार बना हुआ है, इसकी क्वालिटी, इसमें कितना नमक पड़ेगा, कितना ही होगा, इसका कैसे, आपने कहीं ट्रेनिंग लिया क्या? जी, मैंने ट्रेनिंग लिया है और मैं करीब 30 तरह के अचार बनाती हूँ। जी, जैसे कौन कौन से अचार हैं? इसमें अदरक मिर्चा लहसुन है, कटहल के अचार है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। इसमें एक है आंवला और सूरन का अचार है, नींबू का अचार है, आम का है, और बहुत सारी चीजों को मिक्स करके बहुत सारे अचार हमने तैयार किया हुआ है। और इसकी क्वालिटी भी आप मेंटेन करती होंगी, तो क्या इसका क्रय विक्रय अभी कहीं आपको उचित ढंग से प्लेटफार्म मिल पाए कि नहीं मिल पाए? नहीं भैया, अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन अब चाह रहे हैं कि हमारी महिला जितनी मेहनत कर रही है उनको उचित दाम भी मिले, और उनकी चीजों की जितनी मेहनत कर रही है, जितनी मशक्कत से जो तैयार कर रही है, उनको सही राह मिले और सही चीजें उनकी तो सही मूल्य भी मिले, उनका नाम भी। क्या कुछ है, बेसिकली महिलाएं या जो कुछ युवा लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग भी देती हैं क्या? जी, खाने का भी काम करती हैं? सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी है जो सेवा भारती से डलवाया गया है, पंजीकरण है जी। और संस्कार भी सिखाते बच्चों को, पढ़ाते भी हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप आजकल के समाज में आप एक प्रेरणा का काम कर रही हैं, महिलाओं को एक तरीके से प्रशिक्षण भी दे रही हैं, और जो निर्धन और गरीब बच्चे हैं उनको संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से उन बच्चों को भारतीय संस्कृति से अवगत भी करा रही हैं, वो भी निःशुल्क करा रही हैं। आइए इस महिला की जोश और जज्बे को हम सलाम करते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि ये महिलाएं जो प्रोडक्ट बना रही हैं उनको अगर उचित प्लेटफार्म मिल जाए, शासन प्रशासन से की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, तो ये महिलाएं कदम से कदम मिला करके पुरुषों के साथ चल सकती हैं, स्वावलंबी बन सकती हैं, देश और समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। थैंक यू। अरुंधति शुक्ला, जो कृति वैभव स्त्री स्वयं सहायता समूह की डायरेक्टर हैं, आपसे मैंने रूबरू कराया। आपके साथ आपकी मदद करने के लिए आपकी दोनों बेटियां हमेशा तैयार रहती हैं। ये दोनों बेटियां पढ़ती भी हैं और मम्मी के कामों में हाथ भी बटाती हैं। आइए उनकी बड़ी बेटी कुमारी दिव्या शुक्ला से मुलाकात करते हैं। बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह का एक बीड़ा उठाया, मम्मी के हाथों, मम्मी के द्वारा जो प्रोडक्शन बनाए जाते हैं उसमें आप सहयोग भी प्रदान करती हैं। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपना नाम बताइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मेरा नाम दिव्या शुक्ला है और मैं बीकॉम थर्ड ईयर फ्रॉम डीडीयू गोरखपुर से हूँ, और मैं मम्मा की काफ़ी हेल्प करती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई तो करना अच्छा लगता है, उसके साथ ही साथ स्वावलंबन बनना और एक एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन बनना भी पसंद है, क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको दूरदर्शिका होना ज़रूरी है, आपको अपने सपनों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी लेके चलनी होती है। ये दोनों काम आप कैसे कर सकती हैं? आप ट्यूशन भी कर रही हैं और मम्मी के साथ जो है उनका हाथ भी बटाती हैं, ये दोनों काम कैसे कर लेती हैं? पढ़ाई का तो अपना समय होता ही होता है, जो समय आजकल के जनरेशन के बच्चे वेस्ट करते हैं टीवी, मोबाइल, सेल फोन्स को देखे, वीडियो गेम्स को देखे ज़्यादातर, उस टाइम मैं मम्मा की हेल्प करती हूँ और उनके केंद्र से संबंधित जो भी निःशुल्क बच्चे, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा सकते हैं, कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स आज भी इंडिया में ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें मैं पढ़ाती हूँ निःशुल्क। आजकल के बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करके अपना करियर बनाते हैं, नौकरी प्राप्त करने की, IAS PCS बनने का प्रयास करते हैं, तो क्या आपने फोकस कर लिया कि हम स्वावलंबी बनेंगे, अपना रोजगार एक तरीके से स्किल देश के लिए अपना नाम रोशन करेंगे, कुछ रोजगार सृजन करेंगे? आपने अपना करियर किस दिशा में निर्धारित किया है? बचपन से ही मुझे गरीब बच्चों को देख के, गरीब महिलाओं को देख के, या फिर वो लोग
जो कि अपने हाथ पैर पे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें देख के एक दया भावना अंदर से आती थी। तो वो जो दया भावना आती थी उसको मैंने रास्ता देने के लिए अपनी माँ का साथ दिया है। आपके मुख्य रूप से हॉबी क्या है बेटा? मेरी हॉबी डांसिंग भी है, मैं सिंगिंग भी अच्छी करती हूँ और पढ़ाई तो मेरा पैशन है ही। और मेरा जो एम है वो है सीए बन के भी मैं जितनी भी अर्निंग्स करना चाहती हूँ अपने पढ़ाई के माध्यम से, इस समूह के माध्यम से, इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, वो मैं गरीबों पे ही खर्च करना चाहती हूँ, अपने देश को, अपने देश के बच्चों को एक रास्ता देना चाहती हूँ, काबिल बनाना चाहती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से खास करके युवा लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपके ज़िंदगी में कठिनाइयाँ परेशानियाँ जितनी भी हों, बस फोकस अपने एम पे करें। आपका जो भी एम है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि आप ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो या फिर सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दो। जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हो उस लाइन को बिल्कुल डट के अड़ जाओ उस अपने एम पे जिसको आप पूरा करना चाहते हो, क्योंकि भटकने के बाद इंसान दो पैरों पे चलता है और दो पैरों से चार पैर होने के बाद वो भटक जाता है। थैंक यू। सोचने से कहां मिलते हैं, तमन्नाओं के साथ चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। निश्चित रूप से जो आपने लक्ष्य, जो आपने फोकस किया है, वो मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। यूपी मीडिया की टीम आपके जज्बे को, आपके जोश को सलाम करती है। आज आ सकता इस बात की है महिलाओं के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा बनाए गए उत्पादों का अधिक से अधिक क्रय विक्रय किया जा सके, जिससे महिलाएं आप स्वावलंबी बन सके, रोजगार सृजन कर सके। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुनील मल्टीपार्टी, हमारे साथ छायाकार क्रांति सिंह, धन्यवाद।